श्री चतुरासी जी के समय समय पर जो पद हैं अगर उनका गायन किया जाए तो और किसी साधन की जरूरत नहीं। श्री जी के यश गान से श्री जी प्रसन्न होते, जैसे सूत मागत बंदी जन को श्री राजा जो होते हैं उनके गाने पर रीझ करके जो चाहते हैं न्यौछावर कर देते हैं, ऐसे ही हम सूत मागत बंदी जन की तरह, दासी की तरह श्री जी की सेवक भाव रखते हुए पद गायन करें। एक एक अक्षर में इतने सामर्थ है, एक एक अक्षर में चतुरासी जी की, बड़ी साधना करने पर भी जो भक्ति नहीं प्राप्त होती यहाँ सीधे लीला दर्शन में प्रवेश हो जाता है। चतुरासी जी सीधे लीला दर्शन पर, भगवती माया का ऐसा प्रभाव है कि सहज में प्रेम समुद्र चतुरासी जी और हम इधर उधर प्रेम से वंचित होकर भटकते रहते हैं। सबसे पहली ये नियम अपनी वृत्ति में धारण कर लें, पहला मुझे कभी किसी की निंदा नहीं करनी, दूसरा हमें श्री जी के सिवा कोई चर्चा नहीं करनी, तीसरा भजन हो या ना हो हमें विमुखों से नहीं मिलना। अगर तीन बातें जीवन में रख ले और जब जैसा भाव आवे चतुरासी जी का गायन करें, श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी, गाते गाते प्रिया प्रीतम का रूप प्रकाशित हो जाता है, प्रिया प्रीतम कृपा करके अपनी लीला में प्रवेश। बड़ी दुर्लभ बात है श्री जी का रूप देखना, श्री जी की सेवा में जाना, प्यार उड़ुम क्षमते ने अच्छी सुखादि नाम तो ध्यान गम, बड़े बड़े महापुरुषों के ध्यान में जो आने वाली जुगल जोरी प्रिया प्रीतम की नहीं, वो चतुरासी जी के गायन से। पर हमें विश्वास नहीं होता, हमें रति नहीं होती, हमें लगता है हम बहुत बार गा लिया, हमें आनंद। आप गाते रहिए, धीरे धीरे आप देखेंगे एक पंक्ति का अगर लीला स्वरूप हृदय में आ गया शिथिलता आ जाएगी, बुद्धि काम नहीं करेगी, प्रिया प्रीतम की ऐसी आसक्ति पैदा होगी जी नहीं सकते। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय तुम्हारी, पढ़त सुनत गुण पढ़त गुनत गुण नाम सदा सत संगति पावे, अरुबाढ़ रस रीति विमल बानी गुण गावे, प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी। श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की भक्ति बड़ी दुर्लभ बात है, ये चतुरासी जी के गायन मात्र से हो जाओ। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय तिवारी, श्री कुंज महल की टहल सो, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की प्रतिक्षण सेवा का सौभाग्य कितनी दुर्लभ बात है। निज कुंज महल की टहल सो, प्रिया प्रीतम के टहल सुख के लिए तो ब्रह्मादि तरसते हैं। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि मुझे कभी सोहनी लगाने वाली बना लिया, और ये चतुरासी जी की कृपा से प्राप्त हो जाता है। बहुत सुंदर अवसर मिला है, हम एक भी क्षण व्यतीत ना करें व्यर्थ में। कुछ नहीं आता बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी, इंद्र नील मणि श्याम मनोहर सात कुंभ तंगोरी, दो लाइन याद कर लो बस, इसे गुनगुनाते रहो, देखो आ जाएंगे इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर सात कुंभ तंगोरी। अगर हमारे भाल में, हमारे हृदय में, हमारे मानस पटल पर ये जोरी आ जाए, कृत्य कृत्य हो जाए। अभी तो केवल सुनते हैं कि बड़ा आनंद में है, जिस दिन छू जाएगा आनंद उस दिन पता चले। ये सब बाहरी माया की जो गंदी बातें धूल दूषित करने वाली हृदय को, पर चर्चा बिल्कुल जहर है जहर। प्रिया प्रीतम के सिवा हमें कोई चर्चा नहीं करनी, प्रिया प्रीतम के सिवा हमें ऐसे लोगों से मिलना नहीं जो प्रिया प्रीतम के भाव में नहीं, हमें ऐसा पदार्थ नहीं खाना जो प्रिया प्रीतम को अर्पित नहीं किया, हर समय बस श्यामा श्याम श्यामा श्याम। अभी कुछ दिन में बावरे हो जाओगे प्रेम में, जिस प्रेम के लिए अनंत जन्म भटकते रहे, वो प्रेम देने के लिए श्री हिताचार्य चरण ने कितनी कृपा की। वृंदावन धाम का वास, रसिकों का संग, वाणी जी का रंग, कितना हमें अवसर बढ़िया मिला है। पर क्या दुर्भाग्य है, ना हमें निज मंत्र का स्वाद मिल रहा है, न राधा नाम का स्वाद मिल रहा है, न चतुरासी जी का स्वाद मिल रहा है, न रजरानी का सुख मिल रहा है। वही हमारे अंदर संसार की बातें, एक दूसरे की निंदा स्तुति राग द्वेष, क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। बहुत सावधान, प्रतिपल हम कुछ है ही नहीं संसार में, जितना देख रहे इंद्रजाल जादू का तमाशा, यहाँ कुछ सत्य नहीं, सत्य है तो केवल एक प्रिया प्रीतम सत्य है, कोई बिरला ही समझ सकता है। समझ जाओ, एक एक क्षण हमें आनंद मिले ना मिले, हमें बस वाणी जी और नाम। सेवक जी महाराज ने कहा, सेवक शरण सदा रहे अनंत नहीं विश्राम, वाणी श्री हरिवंश की कह हरिवंश है ना। या तो हम नाम मंत्र में लगे हैं या हम वाणी, दूसरी बात नहीं, तब सुख हरिवंश गुण नाम रस नारटत, और बहुवचन अति दुख दानी। वही सुख है जब हम या नाम में है या वाणी में है, और कुछ बोले तो मरे, दुख ही दुख है। व्यर्थ में प्रपंच से अपने आप को बचा लो, किए हुए बहुत जन्मों की तपस्या साधना न जाने कब हो गई, उसका हमें फल मिल रहा है। श्री जी करुणा करके सब संयोग दे रहे, चुपचाप अपना जीवन सुधार लो, कैसी दुर्दशा जीवों की है। हाँ,
कई कई कल्पों तक नर्क भोगना पड़ता है, कैसी कैसी योनि, कैसे कैसे लोगों के बीच में जन्म हो जाता है, कैसा भयानक कष्ट त्रास मिलता है। अभी अवसर मिला प्रिया जी, अपने महल में रख लिए, अपने जनों का संग दिए, अपने आप को समेट लो, मार दो इस जन्म में अपने आप को। ये जो मन की वृत्ति विषयाकार है, मैं श्रेष्ठ हूँ वो नीच है, ये सब बातें बिल्कुल भजन के विरोधी। सबसे प्यार का व्यवहार, सबसे हित निष्काम मति, सबसे प्यार का व्यवहार करो, किसी से सुख मत चाहो। हम चाहेंगे प्रिया प्रीतम से, प्रिया प्रीतम के नाम से सुख मिले, प्रिया प्रीतम के रूप से सुख मिले, प्रिया प्रीतम के धाम से सुख मिले, प्रिया प्रीतम की लीला से सुख मिले। हे प्रिया प्रीतम, कभी अगर हमें बात करना पड़े तो आपके प्रेमी जनों से बात करना पड़े, अगर हमारा कभी पेट भरे तो आपकी जूठन से भरे, हमारे नेत्र कभी कुछ निरखे तो आपकी शोभा निरखे, हमारी वाणी कुछ बोले तो आपका जस गान करे, हमारा शरीर रहे तो आपकी चरण रज में रहे, हमारे प्राण छूटे तो आपके स्मरण में छूटे। ये है हमारी चाह, ये हमारे अंदर की मांग, और इसकी पूर्ति कर लो इस जन्म में, नहीं तो बहुत समय आगे गड़बड़ाएगा, हम भजन नहीं कर पाएंगे, अभी नहीं कर पा रहे। देखो वो निज मंत्र है जिसे 200 वर्ष ना कर गिनने पर भी नहीं दिया जाता, और हम हाथ जोड़ के बुला के दे रहे हैं। आप सोचो उस निज मंत्र को आप क्या कर रहे हैं, क्या उससे आप लाभ ले रहे हैं। वो चतुराशी जी जिसकी एक एक पंक्ति में महापुरुष जन कई कई दिन रात डूबे रहे न भोजन न पानी, वो चतुराशी जी हमें कहां सुख दे रहे। वो वृंदावन धाम जिसका स्मरण करके बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष तरस गए कि मुझे वृंदावन वास, मैं उस रज में रह रहा हूँ, कहां मुझे सुख मिल रहा है। कोई तो ऐसी त्रुटि हो रही है जो हमें इन सुखों से वंचित किए, इसलिए सावधान रहो। बहुत बढ़िया अवसर मिला, संभाल लो अपने आप को, नहीं बाद में पछताना पड़ेगा। जब वो समय निकल जाता है ना, तब लगता है हाय मैं अपने आप को संभाल, फिर क्या होता है, मन पछता ही है। अवसर बहुत बढ़िया समय है, हर क्षण लगे रहो। ईर्ष्या दूसरे के देखने के लिए हमें समय कहाँ है भाई, हम क्यों दूसरे को देखें। भगवान जिसको जैसा चला रहा है चला, हम अपने मस्ती में रहे, अपने चिंतन में रहे, क्या छोटी सी जिभ्या की तृप्ति के लिए हम इधर उधर भटके। प्रारब्धवशात जो भिक्षा में मिल जाए या जो संयोग प्रभु बैठाल दे, उधर पोषण कर लो, नाम जप करो, वाणी गायन करो, यही जीवन कला। राधा वल्लभ लाल की।